नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम किशोर। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल कैरियर नशा। यहाँ पे आपको मिलता है बेस्ट कैरियर सॉल्यूशन विदाउट कन्फ्यूजन। आपको पता होगा हमने पॉलीटेक्निक की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम कई वीडियोस बना चुके हैं। हमारी हर वीडियो एक स्पेशल ब्रांच के ऊपर होती है। आज की भी वीडियो एक स्पेशल ब्रांच के ऊपर होने वाली है, जिसका नाम है पॉलीटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियर कैसे बनते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, डिप्लोमा लेवल पर इसका कोर्स क्या है, उसे करने के बाद कहाँ जॉब मिलती है, क्या सैलरी होती है, क्या क्या कैरियर स्कोप हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपसे निवेदन है, आप जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आइए शुरू करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये कोर्स दुनिया का सबसे पुराना कोर्स है, क्योंकि जब से दुनिया में कंस्ट्रक्शन शुरू हुए हैं तब से इस कोर्स की डिमांड रही है, और आज के समय में भी इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि हम ये कहें कि इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो ये अच्छा होगा। आज के समय में इस कोर्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखकर ये कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आसानी से नौकरी मिल जाती है और कैरियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर जगह पर एप्लीकेबल होता है, इसका एप्लीकेशन हर जगह पर होता है। जहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य होते हैं वहाँ पर सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, और जो इस डिप्लोमा को करते हैं वो जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी इंजीनियर बन के जाते हैं और अच्छी सैलरी पाते हैं, अच्छी जॉब पाते हैं। ये कोर्स होता है जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन को प्लानिंग से जोड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल इंजीनियर कौन होते हैं। जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है, बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे किसी पुल का निर्माण हो, किसी बांध का निर्माण हो, किसी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो, तो उसमें तमाम गणनाएं की जाती हैं। उसमें होने वाला खर्चा कितना होगा, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल लगेगा, इन सभी चीज़ों की गणना सिविल इंजीनियर ही करते हैं। और बिल्डिंग बनने से पहले ही आपको ये बता देते हैं कि इस बिल्डिंग में कितना खर्चा आने वाला है। तो आइए जानते हैं, अगर कोई ये डिप्लोमा करता है तो इस डिप्लोमा के दौरान उसको क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या उसे पढ़ने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले उसे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, सारी नॉलेज दी जाती है। अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, उनसे संबंधित जानकारी दी जाती है, जैसे सड़क का निर्माण, सड़क के निर्माण में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, पाइपलाइन बिछती हैं, एयरपोर्ट्स का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, उनमें इन लोगों को हायर किया जाता है और अच्छी सैलरी दी जाती है और काम दिया जाता है। और सिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले टर्म्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उन टर्म्स को यूज़ किया जाता है, और टेक्निक्स क्या क्या यूज की जाती हैं, इन चीज़ों को भी उन्हें बताया जाता है। और जैसे कंस्ट्रक्शन होने के दौरान यूज होने वाले डायग्राम्स, सर्वे का काम, मैथमेटिक्स, उसमें यूज होने वाली फिजिक्स, ग्राफिक्स और कंप्यूटर का यूज कंस्ट्रक्शन में कैसे होता है, इन सभी चीज़ों की नॉलेज, इन सभी बातों की नॉलेज उनको इस डिप्लोमा के पढ़ाई के दौरान दी जाती है। अब सवाल उठता है कि ये कोर्स किन लोगों को करना चाहिए। तो ये कोर्स उन लोगों को करना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम होते हैं उनमें रुचि रखते हैं, और कम पैसे में डिप्लोमा हासिल करके अच्छी नौकरी चाहते हैं और अच्छी सैलरी चाहते हैं, उनको ये कोर्स अवश्य करना चाहिए। अगर इस कोर्स की योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आपको 10th पास होना चाहिए, 10th में आपने मैथ और साइंस पढ़ा होना चाहिए। यदि आपने 12th किया है तो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने ज़रूर पढ़े होने चाहिए, तभी आप इस डिप्लोमा को करने के योग्य हो पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने ITI की है और शुरू के 2 साल में सिविल से संबंधित ब्रांच में पढ़ाई की है, तो वो इस डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है। उसे फर्स्ट ईयर का रिलीफ मिल जाता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के जरिए उसे एडमिशन मिल जाता है। अगर इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो ये डिप्लोमा कुल 3 साल का होता है, जो 6 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। अगर इसकी फ़ीस की बात करें
तो इसकी फ़ीस में गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस का अंतर होता है। कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें 5,000 से लेकर 10,000 एनुअली फ़ीस आपको पे करनी होती है। कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें आपको 25,000 से 50,000 तक रुपए आपको पे करने होते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से इस डिप्लोमा को करें, क्योंकि उससे प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, अच्छी जॉब मिलती है। अगर इस डिप्लोमा को करने के बाद कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो इस सेक्टर में कैरियर ऑप्शंस आपके लिए बहुत सारे हैं। नंबर वन, सबसे पहले आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है। दूसरा, सबसे ज़्यादा नौकरी का स्कोप इस फील्ड में है। प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे मौके देता है और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो आपको इंजीनियर के तौर पर हायर करती हैं और ठीक ठाक सैलरी देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेक्टर हाईली ग्रोइंग सेक्टर है। आने वाले 30 से 40 साल में इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है और बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। कुछ बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो अच्छी नौकरी देती हैं और अच्छा मौका भी देती हैं, जैसे L&T, महिंद्रा, आम्रपाली, दिलीप बिल्डकॉन, एफकॉन आदि ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस डिप्लोमा को करने वाले लोगों को हायर करती हैं। इसके बाद लगने वाली जॉब में अगर सैलरी की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में आपको स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 मिलती है, और यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आप पाए आते हैं, तो आपको 25,000 से 30,000 पर मंथ आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, सैलरी में इंक्रीमेंट बहुत जल्दी होता है। अगर बात करें इसके टॉप कॉलेजेस के बारे में, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं जो इस डिप्लोमा को कराते हैं और उनसे अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है LRM पॉलीटेक्निक कॉलेज चेन्नई। दूसरा आता है कलिंगा पॉलीटेक्निक भुवनेश्वर, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज देहरादून, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज धनबाद, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक पटना, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। ये कुछ कॉलेजेस के नाम हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस डिप्लोमा को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो नाम आपको बताए हैं ये मोस्ट पॉपुलर कॉलेज हैं जिनसे प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है। अगर इस डिप्लोमा के बारे में अन्य बातें आपको बताई जाएँ तो ये डिप्लोमा आपको आपके कैरियर में एक अच्छी ऊंचाई तक आपको ले जा सकता है। इस फील्ड में अभी क्राउड कम है, कंपटीशन कम है, इससे नौकरी ज़्यादा हैं, आपको नौकरी मिलने में परेशानी नहीं होगी। इस डिप्लोमा को करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, कंपनियां वहां से डायरेक्ट आपको ले जाती हैं और आपको नौकरी देती हैं। लड़कियों के लिए ये कोर्स कैसा रहेगा? लड़कियों के लिए ये कोर्स अच्छा है। यदि आप कंस्ट्रक्शन में रुचि रखती हैं, फील्ड वर्किंग में रुचि रखती हैं, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। और ऐसा आज के समय में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर लड़कियाँ अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रही हों और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों को जो दुविधा में हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पॉलीटेक्निक के अगली ब्रांच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।